तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए रिपोर्ट ऑटोमेशन, और इसमें हम कुछ बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कल रात को कल रात को 10 बजे हमने एक क्लास ली थी, अभी का बैच था, पहले वाली बैच थी। तो उसमें क्या था कि हमारे पास अलग अलग डेटा है, राइट सर। इन डेटा को यहाँ एक के नीचे कंबाइन कर, तो इसके लिए कोड अप्लाई किए थे, इसको देख आगे मॉडिफाई करेंगे। इसमें हमने लूप लगाया था, हमने बोला था कि 1 to seed.count-1। काउंट माइनस वन करने का रीजन ये था क्योंकि हमारा जो डेटा है वो हमारा जो सीट है सबसे लास्ट में और हमने पहले शीट पे गया, डेटा को सिलेक्ट किया, हमने डेटा को कॉपी किया, वापस डेटा शीट पे आए और वापस हमने रेंज में पेस्ट स्पेशल कर दिया। और फिर स्पेशल में क्या हुआ था कि हेडिंग मिल लेता था सर, तो हमने बोला कि एक्टिव से एंटायर डॉट डिलीट ताकि हेडिंग हमारा डिलीट हो जाए। ध्यान से इस कोड को देख लीजिए पुष्पिंदर जी, ठीक है सर। कोड समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, समझ में आ रहा है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। हमने इसको प्रॉपरली पूरा नहीं किया, तो ये पूरा आपके साथ करते हैं इसका अगला वर्जन जो है। तो इसमें आप सबसे पहले कोड को शॉर्ट करना, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि एक दो लाइन कोड शॉर्ट हो। कैसे किया जा सकता है शॉर्ट सर? इसमें जैसे हम लोग सीट जो सेलेक्ट कर रहे हैं, सीट सेलेक्ट करने के जगह पर डायरेक्ट हम सीट का रेफरेंस डालकर रेंज देकर उसी को कॉपी कर लें। हाँ, ऐसा हो सकता है। इसको हम ए बता रहा था आपको। हाँ, हमने इसको सिलेक्ट किया कॉपी और वहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट राइट। और फिर हाँ जी सर, हम यहाँ से इसको यहाँ से हटा देता हूँ और फिर सेम इसको ऐसा भी पेस्ट स्पेशल करना है, तो हमने इसको यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। लेकिन फिर प्रॉब्लम यहाँ पर है, एक्टिव सेल डॉट एंड डिलीट वाला आपका यहाँ पे नहीं परफॉर्म करेगा सर। फिर आपको डेटा हेडिंग हटा के कॉपी करना पड़ेगा, तो बात बराबर ही हो जाएगी। तो इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे सर इसको? हाँ जी सर, आप जो बोले समझ में आ रहे हैं। जैसे कि अभी क्या हुआ कि इसको कॉपी करता है और कॉपी करके सीट पे आके और इस पे वो पेस्ट करता है, समझ गया। पेस्ट करने के पहला रो हेडिंग होता है, हेडिंग को डिलीट करना होता है। तो अब मैं डायरेक्ट रेफरेंस दे दूंगा तो मेरा डेटा शीट तो एक्टिवेट होगा नहीं। हाँ। या फिर हमें रन करने से पहले डेटा शीट को एक्टिव रखना पड़ेगा, बार बार एक्टिवेट करना पड़ेगा शीट को सर, दोनों को? नहीं, सीट वन को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब जिससे डेटा कॉपी कर रहे हो तो ठीक है, हम जहां पेस्ट कर रहे हैं वहां पे एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी तो एक्टिव चले एंटायर रो डिलीट करेगा। हाँ जी जी। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम इसको यहाँ पे आने के बाद इसमें हमें सिलेक्शन का मेथड चेंज करना पड़ेगा, हमें करेंट रीजन लेना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा ना होगा जो कि हेडिंग को ना ले नीचे से कॉपी करे। हाँ, ये भी हो सकता है। तो बात बराबर हो जाएगी तो लाइन ऑफ कोड्स पर ही जाएंगे ना सर। प्रदीप जी प्लीज अपने वेबकैम को ऑफ कर लें। तो इस तरह से इससे सोचना होता है क्योंकि जितने लाइन ऑफ कोड कम रहेंगे उतने कॉम्प्लेक्सिटी जो है कम रहेगा। तो इसमें हमने अब जिस 6 लाइन के कोड को 4 लाइन में हमने कर दिया। एक बार इसको रन करके देखते हैं, फिर इसमें और थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। वर्क कर रहा है पूरा। अब दूसरा नंबर कोड, इसमें प्रॉब्लम एक और क्या है कि यहां पे हमने दिया हुआ है फॉर आई 1 to seed.count-1। तो इससे प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो डेटा शीट है उसको हमेशा सबसे लास्ट में रखना पड़ेगा। यहां पे एक बाउंडेशन है कि उसको सबसे लास्ट में ही रखना पड़ेगा। अगर बीच में उठाकर हम रखते हैं तो क्या होगा, डेटा की कॉपी डेटा को कॉपी करके डेटा के ऊपर ही पेस्ट कर देगा, ठीक है सर। तो यहां पे हम क्या करेंगे इसके लिए, तो यहां से हम काउंट -1 को हटाते हैं और यहां हम
इफ फॉर्मूला लगाते हैं कि इफ एक्टिव शीट डॉट नेम, नहीं एक्टिव शीट दे देना है यहां पे देना है शीट, शीट्स आर डॉट नेम इक्वल टू, नॉट इक्वल माफ कीजिएगा, नॉट इक्वल टू, और डेटा को मुझे इनवर्टेड कॉमा में डालना पड़ेगा। इफ कंडीशन पता है ना सर आपको? और फिर यहां पे अब इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि वो सीट हमारा कहां है, हम जस्ट इसको रन करते हैं डेटा कॉपी कर देता है। ठीक है सर, यहां पे एक चीज और करना है कि मुझे यहां पे हर सीट के नेम चाहिए, सीट डॉट नेम चाहिए, पर जिसका डेटा कॉपी करे वहां पे पेस्ट कर, जैसे मान लीजिए इसको कॉपी किया यहां, इसने डेटा शीट पे पेस्ट किया और इसको यहां से मान लीजिए डिलीट कर देते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड सर, चलिए सर, सॉरी सर, सॉरी सर, तो सीट का नेम चाहिए कि यहाँ पे सीट का नेम चाहिए, जो सीट का नेम हो, डेटा हो, जैन वैब जो भी हो, सीट का नेम यहाँ पे हमें रखना है। ठीक है सर, तो कैसे होगा? चलिए सबसे पहले तो मुझे एक वेरिएबल लेना होगा, वेरिएबल समझते हैं सर? हेलो, हाँ जी सर, वेरिएबल समझते हैं? हाँ जी सर, हमने स्ट्रिंग ले लिया एन एज ए स्ट्रिंग और यहां हम सबसे पहले सीट का नेम होल्ड करेंगे कि एस इक्वल टू डॉट नेम, तो जिस सीट से कॉपी कर रहा है उस सीट का नेम यहां एस पे स्टोर हो गया। अब एक्टिव सीट डॉट डिलीट कर रहा है तो मुझे यहां पे देना होगा कि रेंज ए 65,000, और नहीं यहां पे मुझे लास्ट कॉलम हमारा कौन सा है, लास्ट कॉलम हमारा ई है, तो यहां पे देंगे रेंज ई 65,000 डॉट एंड एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट, हमने यहां पे 0,1 डॉट स्लैश, मतलब कि नीचे से कर्सर ऊपर जाएगा और ऑफसेट जो है इस बार नीचे नहीं आगे कर रही है, तो मुझे इस कॉलम में नेम देना है ना। फिर मैं लिख रहा हूं रेंज एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0, और यहां पे एक्टिव सेल से स्टार्ट करना चाहिए थी, छोटा सा दिक्कत हो गया। डॉट वैल्यू इक्वल टू एस, समझिए सर, जहां पे कर्सर है वहां से ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, फिर इसका जो नाम है वो नाम एस, मतलब कि एस के इक्वल कर रहा है, तो हर सीट का नेम यहां पे आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा रन करके देख लेता हूं कि कहीं पे एरर तो नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, ये
तो कोई डाउट? लेकिन सर इसमें जो एक अच्छा उसमें तो हमने इफ कंडीशन लगा रखा है, मैं डेटा के लिए सोच रहा था जो डेटा शीट है ना, तो उसमें तो इफ कंडीशन लगा हुआ पहले, ठीक है सर। हाँ तो समझ में आ गया, तो अब मेरा परफेक्टली ए फाइल वर्क कर गया, ठीक है। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन ये आता है कि अभी आपने देखा कि हर शीट के अंदर डेटा अवेलेबल है। मैं इस फाइल को सेव करके एक नया फाइल आने पे आता हूँ, इसी को सेव एज कर लेता हूँ अगला फाइल पे। इस बार जो अभी जो हो रहा है, मान इसको हटा देता हूँ, इसको छोड़ दीजिए सीट को, तो अभी मेरे पास जो डेटा शीट है, इस डेटा शीट के ऊपर जैन फे मार्स है, और हर शीट में मेरे पास पूरा सीक्वेंस में है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगा कि अब यहां भी फैब यहां इसका जो मार्च है वो जनवरी से पहले, और यहां जो अप्रैल है ये फैब के बाद में। अब जो है इससे पहले का जो हमारी मैक्रो है, अगर उसके अकॉर्डिंग कॉपी पेस्ट होगा क्योंकि हेडिंग सीक्वेंस नहीं है, तो हमने यहां पे हेडिंग को सीक्वेंस कर लिया हुआ है। अब मुझे कॉलम वाइज कॉलम पेस्ट करना है, समझे जी? कर पाएंगे आप? नहीं सर, ये तो नहीं किया मैंने अभी, मतलब जैसा कॉलम का कॉपी करेगा ना डेटा। हाँ अभी जो है देखिए, ऐसे तो मैं एक ट्रेडिशनल तरीका है सबको बताता हूँ, लेकिन आपकी क्लास में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ मैं, तरीका चेंज कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी अगर गलती उलती हो तो प्लीज दिल पे मत लीजिएगा सर, इतने मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि सर मैं हर क्लास में अपनी तरीका थोड़ा चेंज कर देता हूँ सर, क्योंकि सर टेप रिकॉर्डर की तरह एक बार एक ही जैसा बजना अच्छा लगता सर। तो हमें इसको कॉलम वाइज लेके चलना है, समझे? हर कॉलम के लिए हम जैसे डेटा सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, हम पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम एक एक कॉलम को कॉपी पेस्ट करेंगे। इसमें हमें डबल लूप लगेगा। इसमें सर हम फिर जो एक एक कॉलम को कॉपी करेंगे आप, जो कॉपिंग के कॉलम का जो हेडिंग होगा फिर उससे हमें कंपेयर कराना पड़ेगा ना फिर। हाँ हाँ, तभी तो कॉपी पेस्ट होगा। जैसे मान लीजिए मुझे जनवरी चाहिए, तो हम सीट पे जनवरी का डेटा फोन टाइप ढूंढेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग पेस्ट कराएंगे। तो मतलब यहाँ पे कि अब मुझे सीट में क्या क्या कॉलम है उससे मतलब नहीं है, हम माइक्रो रन करने से पहले, चाहे इसके लिए भी एक अलग माइक्रो बनाया जा सकता है कि माइक्रो रन करने से पहले हम जो है अपने सारे हेडिंग्स के लिए इकट्ठा कर लेंगे कि हमारे पास हेडिंग क्या क्या है। अब जैन को उठाएंगे, इसमें लेके आएगा, मुझे इससे पता लगे कि इसमें क्या हेडिंग है और नहीं है, हमें जैन का डेटा उठाना है बस, समझे? आपको सारे हेडिंग्स यहाँ पे रखने होंगे, समझे? तो रखने का भी मैक्रो बनाया जाएगा, पहले उस इस पे नहीं सोचते हैं हम, पहले वापस चलते हैं पहले इस पे, मतलब कि हम पहले एक सिंपल तो बोलते हैं थर्ड से बना के देखते हैं, दो मिनट एक कॉपी लग सकता हूँ मैं।
हम यहाँ पे फोर लूप देते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू ईच डॉट काउंट माइनस वन, या जो हम इस बगल लगा देंगे, ठीक है, और उसके बाद वापस होगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि एक क्वेरी था। हाँ, ये मान लीजिए जो शीट काउंट जो हम कर रहे हैं, शीट काउंट करता है जब कोई भी डेटा में ब्लैंक ना हो, गैप ना हो। अगर ब्लैंक मिलेगा तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी ना सर? शीट डॉट काउंट है ना सर, शीट के ऊपर चल रहा है ना। सॉरी सॉरी, शीट काउंट का, सॉरी मैं रो काउंट का सोच रहा था। चलिए ठीक है, काउंट हम नहीं कर रहे, ठीक है। और यहाँ पे फिर लगाते हैं फॉर्मूला, और यहाँ पे शीट, और यहाँ पे हम डेटा डॉट सेलेक्ट, फिर यहाँ पे देते हैं फोर आई, आई में जे होगा, जे इक्वल टू चले वन टू, कितने शीट है, कितने कॉलम है, पांच, फिर नेक्स्ट जे। एक यहां पे वेरिएबल ले लेते हैं हम टिम, सी एज ए स्ट्रिंग या वेरिएंट कर लीजिए, सी इक्वल टू सेल, सेल में रो वन है और जे हमारा कॉलम, इसकी वैल्यू को स्टोर करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पे ऊपर एक और वेरिएबल लेता हूं, dim r as a string, नहीं यहाँ पे मान लीजिए ये होगा इंटीजर होगा, और यहाँ r equal to हम करेंगे application dot worksheet function dot match, match में हमें c को ढूंढना है, किसमें, तो शीट्स, शीट्स कौन सा शीट, तो आई डॉट रेंज ही होगा, हाँ रेंज, हमें पता है कि पहला ही कॉलम है तो वन वाई वन, और यहां पे कॉमा जीरो, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि आर जो है, आर जो है हमारा कौन से पोजीशन बता दो, पोजीशन मतलब कि उसका हेडिंग जो है, हमारा सी वाली हेडिंग जो है कहाँ है, ठीक है। उस नाम करेंगे रेंज, और रेंज में सेल्स, सेल्स में हमारा टू रो है एंड आर कॉलम स्टार्टिंग है, कॉमा सेल्स 65,000 रो एंड आर कॉलम डॉट एंड एक्सेल आप डॉट, और कौन सा ये कॉपी कहां से होगा, तो शीट्स से होगा, कौन सा शीट्स, आई शीट्स, यहां से डेटा कॉपी करना जहां मैच हुआ है, ठीक है। फिर रेंज ये 65,000 डॉट एंड एक्सेलस आप डॉट
ऑफसेट रो वन रहेगा और कॉलम रहेगा हमारा जे माइनस वन। कॉलम को कॉपी कर रहा है, नहीं सर? हाँ, कॉलम को पेस्ट कर रहा है, मतलब जो भी जैसे जैसे जो पोजीशन मिलेगा आर में जो भी आएगा मैच पर उस नंबर को हम नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। क्या करेगा सुनिए, वन बाय वन समझाता हूँ आपको, राइट। पहले तो दो वेरिएबल डिफाइन किया, फिर होगा सीट माइनस, इसको स्टेप इन्फो से समझाता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। स्टेप इन्फो हमने चला वापस, मैं एफ एट यूज नहीं कर सकता क्योंकि एफ एट हमारा रिकॉर्ड और इसका इसका भी है मैंने शॉर्टकट है, एफ एट यूज नहीं कर सकता मैं। स्टेप इन्फो ये डेटा यहाँ पे देखिए आई, ठीक है जी, ने डेटा सीट पे डेटा सीट को एक्टिवेट किया, अब जे एक से मिलेगा, ठीक है, और फिर सी के ऊपर वैल्यू स्टोर होगी, वो कौन सा फील्ड, कौन सा फील्ड जिसको ढूंढना है। अब यहाँ पे मैच क्या करेगा, नेम ढूंढ के उसका पोजीशन बताएगा कि नेम पहले नंबर कॉलन पे है। अब सीट आई रेंज टू नंबर दो नंबर रो से आर कॉलन, पहले कॉलन और दूसरे नंबर रो से स्टार्ट करेगा और 65,000 रो और आर एक्सलेस एंड अप, मतलब ये क्या करेगा, यहां पे देखिए यहां पे आएगा, यहां पे कर्सर रखेगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, यहां पे कर्सर रखेगा और इसको सिलेक्ट कर लेगा। अच्छा कोई पहचान, वो सिलेक्ट नहीं था ना इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, डायरेक्ट कॉपी कर दिया ना ये, डायरेक्ट कॉपी कर दिया। हाँ, मैं सिलेक्ट करने कॉपी कर दिया, देखिए कॉपी हो गया। और जी हम आते हैं रेंज पे, यहां पे डेटा पे, तो डेटा पे क्या करेगा कि एक्सल ए 65,000 से ऊपर जाएगा, ऊपर आया और देखिए ऑफसेट वन नीचे आया, नीचे आया। अब प्रॉब्लम है कि कौन से कॉलन है, तो हमें तो हम यहां पे तो क्या बोलते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट सीट्स में ना हमारा सीक्वेंस नहीं है, बट यहां तो मेरा सीक्वेंस है, तो हमने बोला क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं ना, पहले हमने पहले कॉलन का डेटा को मैच करवाया है ना, तो हमने कॉलन है उस कॉलन में से एक को घटा दो, एक क्यों घटाया, क्योंकि ऑफसेट जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करता है, तो अगर है तो यहां जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू नेम आपका पेस्ट हो गया। देखिए सर, हम लोग डेटा शीट को एक्टिवेट डायरेक्ट जा रहे हैं डेटा शीट में, नहीं डेटा शीट यहाँ एक्टिवेट किया है हमने। अच्छा, यहीं पे सेलेक्ट हो रखा पहले से, ठीक है सर, समझ में आ रहा। वापस गया, अब इस बार जो है इसको क्या करो, जैम को मैच कर रहा है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, दो नंबर रो दिया दूसरा शीट में, दो नंबर रो, अब इसने यहाँ पे R2 सेल टू रेंज आई सेल टू से आर, हाँ हाँ हाँ, एक छोटा सा दिक्कत यहाँ पे होगा, रुक जाइए रुक जाइए, हमें भूल गए थे कि हमें इस सब पे सीट देना पड़ेगा, ये सेल्स कौन सा सेल्स, एक्टिव सेल ले लेगा ना फिर सर, ये अब जो जो सीट एक्टिव होगा उसका सेल लेगा ना सर? नहीं नहीं, अब सीट आई का लेगा, पहले एक्टिव का ले रहा था वो, मतलब जो भी चल गया था क्योंकि मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया था, इसलिए अब परफेक्टली वर्क करेगा।
एक मिनट, अब रहा मैं छोड़ के गया इसे, कोड देख लीजिए कहां पे दिक्कत कर रहा है। अरे हाँ, यहां हर कॉलम के लिए हमने ऑफसेट ए पे ही लगा रहा हूं ना। यहाँ ये इसमें प्रॉब्लम है सर, बाय डिफॉल्ट एक ही रो पे दे रहा है। नहीं नहीं होता है क्या है कि हर कॉलम पे चल रहा हूं ना मैं, तो हर कॉलम पे और ए कॉलम ए पे ही चल रहा है ना, यहाँ पे जीरो होना चाहिए, यहाँ पे जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर यहां पे मैं जीरो कर देता हूं तो दिक्कत क्या होगा, एक रो ओवरराइड हो जाएगा। नहीं तो इसका सलूशन है, क्योंकि मुझे फर्स्ट बीच में यहां ये है कि जैसे ही दूसरा राउंड चलेगा, नहीं यहां पे ऐसे नहीं होना, एक मिनट एक मिनट, लूप से पहले इसका यूज करना होगा, जो लूप है ना यहाँ यहीं पे करना पड़ेगा, इसके लिए भी कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हम करते हैं और डिम सेट के इक्वल रेंज 65,000 dot and xls up dot offset 1,0. अब यहां पे मुझे अब परफेक्टली वर्क करें। अब होना चाहिए परफेक्टली वर्क, एकदम परफेक्ट हुआ। प्रॉब्लम क्या था कि हमें मतलब कहां पे पेश करना है, वो लोकेशन हमें हर एक सीट के लिए फिक्स रखना था, जैसे कि अब यहां से इस रो से स्टार्ट होगा पेस्ट, मतलब कि दो से, तो सीट वन के लिए रो दो रहेगा हर हर कॉलम के लिए, बस कॉलम चेंज होता जाएगा लेकिन रो फिक्स रहेगा। फिर अगर मान लीजिए कि यहां तक टेस्ट हुआ तो सीट टू के लिए रो 12 हो जाएगा, समझे ना सर। जो कोड में जरा आपने जो किया है ना, जो रेंज डिफाइन किया है, हमने क्या किया, हमने कैसे वर्क करेगा सर मुझे बता रहा हूँ। रेंज जरा हमने के एज अ रेंज डिफाइन कर दिया, और हमने डेटा को पेस्ट करवाने से पहले से हमने सीट डेटा शीट को एक्टिवेट किया ना हमने यहाँ पे सर, जी जी, उसी समय हमने सिलेक्ट कर लिया कि भाई हमें पेस्ट कहां करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे सीट पे हम आए, अब मुझे पेस्ट पे करना है, तो हमने बोला कि भाई नीचे से ऊपर जाओ, एक नीचे आओ, और इसका जो लोकेशन है A2 वो हमने K के ऊपर डाल। अच्छा समझ में आ गया, मतलब K जैसे है वेरिएबल जहां पे एक्सेल अप जाएगा, तो सेम में सेम कॉलम में पेस्ट होता जाएगा। नहीं सेम कॉलम में नहीं, बात समझिए, हमने क्या किया सर, एक हमने क्या किया, सुनिए यहाँ पे देखिए, हमने क्या किया कि भाई पेस्ट करने से पहले, पेस्ट का प्रक्रिया पूरा करने से पहले हमने एक लोकेशन देख लिया कि हमें पेस्ट स्टार्ट कहाँ से करना है। अच्छा, तो हमें पेस्ट स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे ढूंढा, सीट वन पे गए और हमने यहां से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए, तो ए हो गया। अब इस ए टू को हमने के ऊपर सुरक्षित कर लिया। फिर हमने बोला कि डॉट ऑफसेट 0 रो, मुझे उसी दो नंबर रो पे A2 पे ही जाना है,
ए टू बी टू सी टू डी टू करना है, तो ए टू बी टू कैसे पता चलेगा, तो हमने यहाँ पे कर दिया जे माइनस वन, कि जे अगर वन तो जे माइनस वन जीरो, तो जीरो डॉट जीरो मतलब कि ए टू पे पेस्ट करेगा। फिर दूसरा फोर जे चलेगा तो आपका जे हो जाएगा टू, टू माइनस वन मतलब कि रो जीरो और कॉलन वन, रो जीरो कॉलन थ्री, रो जीरो कॉलन फोर फाइव, इस तरह से जैसे जैसे जी जी जैसे जे का लूप बढ़ेगा वैसे उसमें एक माइनस होते जाएगा उसमें कॉलम, क्योंकि ऑफसेट जीरो से चलता है यहाँ पे, माइनस नहीं करना पड़ता, लेकिन ऑफसेट लगाया इसलिए माइनस करना पड़ा क्योंकि ऑफसेट जीरो से काउंटिंग शुरू कर। सर जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है, हमने जो जे कल जो लूप चलाया वन टू फाइव, एक मिनट नहीं मिनट, आप इसको देखिए, मैं स्टेप इन्फो करता हूं तो पता चल जाएगा, देखिए डिवॉक हमने यहां पे डिवॉक किया, हम सीट वन को सिलेक्ट किए, सिलेक्ट ने किया ना सर, अब यहां पे इसने क्या किया, यहां पे क्या किया ए टू को के पे स्टोर कर दिया, के क्या हो गया ए टू हो गया राइट। अब इसने ढूंढना स्टार्ट किया, ढूंढना स्टार्ट किया सी को देखा, ए सी को देखा, अब सी पे कौन सा वैल्यू नेम है, नेम को ढूंढा, डेटा कॉपी करके लाया। अब यहां पे देखिए क्या है के डॉट ऑफसेट, अब जे कितना है वन, तो जीरो कॉमा जीरो डॉट पेस्ट स्पेशल, तो के कहां पर है यहां पर है, तो इसमें ए टू को समझ में आ गया, समझ में आ गया। दूसरा बार जो लूप चलेगा, अब यहां पे देखिए दूसरा जो जे चलेगा, अब यहां पे दूसरा जो लूप चला यहां पे जे टू, टू माइनस वन वन हो गया, तो पेस्ट कहां करेगा यहां करेगा और इसी प्रोसीजर को पूरा करेगा। अब के ऊपर से रिचार्ज कब होगा, जब हम दूसरी सीट को डेटा कॉपी करेंगे, ये भी देख लीजिए आप, लास्ट चल रहा है ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे आ गया आई पे आ गया, अब आई पे आया तो अब इस बार जो डेटा एक्टिवेट हुआ और इस बार जो हमारा के है के जो कि रेंज पे था, अब यहाँ पे जो है अब जो चेंज हो गया वो यहां का ले लिया, ए 14 का ले लिया इसने, अब ए 14 का ले लिया, अब जो क्वेश्चन पेश करेगा ए 14 पे हुआ, हुआ सर जी सर। अब आप सारा क्वेश्चन तरह से देता चला, समझ में आ गया सर, जो मैं थोड़ा मैं समझ में इसलिए आया क्योंकि जो लूप चल रहा था ना वन टू फाइव, तो वन कर नहीं सकते क्योंकि वन तो मतलब हिसाब से दूसरा कॉलम हो जाएगा, इसलिए हमने जे माइनस वन कर दी, जी ओवर किया क्योंकि जीरो जीरो पर रहेगा पहला, उसके बाद वन होगा टू होगा थ्री होगा फोर होगा फाइव पे होगा लास्ट, ये मैं समझ में आ गया। इस पे भी एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, कोड को अंडरस्टैंड कीजिए, स्कैन कीजिए और बताइए प्रॉब्लम क्या है। देखिए माइक्रो बढ़ाना बड़ी बात नहीं है, माइक्रो में प्रॉब्लम ढूंढना बड़ी बात होती है सर, तो मेरे हिसाब से इसमें एक प्रॉब्लम है, आप बताइए कौन सा प्रॉब्लम है। चलिए मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, 5 मिनट से दोबारा से रीज्वाइन कीजिएगा, फायदा नहीं बंद हो जाएगा अभी है, 45 मिनट का ही टाइम होता है। बताइए दुनिया सर इस कोड में क्या दिक्कत है, एक छोटा सा प्रॉब्लम इन फ्यूचर, अभी तो नहीं है, इन फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है।
जाने बोला पढ़ो ना प्लस के लिए ऑनलाइन क्लास होती है तो कोई पैसा खर्च कर लिए होंगे और लोग सर ये जो अगर हमारा शीट कोई कॉलम बढ़ता है तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगा, ये तो फिक्स है। नहीं नहीं कॉलम फिक्स है तो उसको ऑटोमेटिक फाइव की बोल रहे हैं ना, पांच कॉलम से छह कॉलम वो तो बढ़ जाएगा सर, वो तो हो जाएगा, वो तो बढ़ जाएगा यानी उसको ऑटो उस पर ऑटोमेट किया जा सकता है। बताया आपको जो जहाँ डेटा है आपका जिसपे कॉपी उसमें जितने फील्ड है उसके अकॉर्डिंग चलेगा, डेटा में फील्ड बढ़ गया उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आपके इसमें शीट्स में फॉर्म जिसमें डेटा शीट जहाँ कॉपी हो रहा है उसमें जितने नंबर ऑफ फील्ड्स आप रखेंगे उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अभी इसे एक सेशन खत्म हो गया है, दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है दो मिनट में, ज्वाइन कर रहे हैं बाकी लोग दो मिनट में। सुंदर जी हाँ जी सर बताइए सर, तो समझ में आया सर? अभी तक तो जैसे कोड चल रहा है लेकिन अब जो सर, एक मिनट हमने आपने ये तो बोल दिया कि कॉलम बढ़ जाएगा तो ठीक है, घट जाएगा तो क्या करोगे? कॉलम कम हो जाएगा तो हाँ देखिए प्रॉब्लम कहाँ होगी अब आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे लगा हुआ है मैच का फॉर्मूला लगा हुआ है ना जी। अब जैसे कि मान लीजिए कि किसी कॉलम में जनवरी है ही नहीं, किसी कॉलम में जनवरी आपका है ही नहीं, तब क्या होगा? एरर शो करेगा। यहाँ पे ऐसा हो सकता है ना? हाँ तो यहाँ पे आपको एरर शो करेगा, यहाँ पे एरर देखेगा, यहाँ पे आपको एरर शो करेगा। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा सर। इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढेंगे पता आपको सर? जो वो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट करते हैं वही सर। नहीं तो कॉपी पेस्ट तो कराएगा ही ना सर, तो ऑन एरर रिज्यूम तो इसका वो तो करेगा क्या जी? तो यहाँ पे एक काम कर लीजिए, एक मैं एक और यहाँ पे देता हूँ टीम रिकॉर्डिंग अलाउ कर दीजिए। टीम सीटी एज ए सीटी एज ए हम यहाँ पे कर देते हैं इंटीजर राइट, और फिर काउंट इज का रिजल्ट देते हैं यहाँ पे एक मिनट। सीटी इक्वल टू एप्लीकेशन, ऐसा और भी तरीके हैं लेकिन बताए इसमें हर तरीका अलग कर रहा हूं मैं। काउंट इफ और काउंट इफ में चलेगा ठीक है। अब यहां पे इफ कंडीशन लगेगी, इफ टी इज
नॉट इक्वल टू जीरो, और फिर सी टू इक्वल टू जीरो कर देते, जितना जो जो काउंट उसी को मैच करेगा सर। नहीं, पहले वो काउंट करके चेक कर लेगा कि उसमें अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि अपने ये आपका मैच जो है वो एन ने देगा, एन ने एरर होता है और इस पे एरर होगा नहीं क्योंकि ये स्ट्रिंग स्टोर करने वाला है, सॉरी इंटीजर करने वाला है, एन ने तो एरर स्टोर करेगा नहीं, तो एरर यहीं पे आ जाएगा। तो हमने पहले ही बोला कि भाई अपनी चेक कराओ, काउंट करवा लो, क्योंकि काउंट में अगर नहीं मिला तो जीरो स्टोर करेगा ना सर जी। तो पहले चेक करो कि अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तभी वो मैच और कॉपी पेस्ट वाली प्रोसीजर को फॉलो करेगा, अदरवाइज जी मतलब जो उसको मिलेगा उसी को मैच कराएगा, नहीं मिलेगा मैं पहले कॉपी कराएगा, मैं जिसको जो मिलेगा उसी को, जिसका काउंट मिलेगा उसी को मैच कराएगा जी। मैं इसको वापस और यहां पे इसको रन करता हूं, इसके ऊपर ब्लैक हुआ है, जैन नहीं मिला इसने इसको छोड़ नहीं, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की सॉल्यूशन, ए फाइल में आप लोगों को आपको भेज देता हूं, इस पे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और कल इस पे हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो कल क्लास करेंगे सर, बी आई टी यू, बी ए टी यू, बी आई, बी आई, हाँ यही है। हाँ कल आपको लेना है, हाँ कल क्लास कर लेते हैं, इसके बाद से करता हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा जैसे वीकडे पे करना हो करिएगा, ठीक है आपको जैसे लगेगा। जैसे बात हुई थी हमारी कि वीकेंड पे ही करेंगे, मतलब कि आपको बेसिक नहीं करना है, ये करना है ना। हाँ मुझे बेसिक ऐसे इसी तरह की जो आज मैंने बताया इसी तरह की प्रॉब्लम्स बताएंगे आपको, आपको जी सर 20 से 25 एग्जांपल्स बता देंगे, इसी में तो एक्सपर्ट हो जाएगा, 25 एग्जांपल बता देंगे। ठीक है सर जी सर, 25 एग्जांपल हम बता देंगे आपको, इसी में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे।